नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए DSSB रिजल्ट से रिलेटेड न्यूज़ लेके आए हैं। जी हाँ, आज 7 रिजल्ट्स आए हैं, जिसमें से है PGT उर्दू मेल, PGT होम साइंस फीमेल, PGT म्यूजिक फीमेल, PGT फाइन आर्ट मेल, PGT फाइन आर्ट फीमेल और PGT इंजीनियरिंग ड्राइंग मेल। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके इन पे देख लेते हैं कितनी कट ऑफ गई है, एक एक करके बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले PGT फाइन आर्ट फीमेल की, तो इसका पोस्ट कोड था वो था 84/20 और इसमें जो टोटल हमारी वैकेंसीज थी ये थी 9, जिसमें जर्नल की 6 और OBC की 3 पोस्ट थी। तो चलिए इसकी कट ऑफ की बात कर लेते हैं। इसमें जर्नल की जो कट ऑफ है वो रही 170.96 और OBC की कट ऑफ रही 141.92। दोस्तों, जिन लोगों ने भी ये क्वालिफाई किया है उनको अपना एडोजियर फिल करना है, केवल 15 डेज ही मिले हैं। ये आपको फिल करना है 7/10 से 21/10 तक के बीच में आपको फिल कर देना है। तो चलिए दोस्तों, अगले रिजल्ट की बात करते हैं। अगला रिजल्ट है PGT फाइन आर्ट मेल का, पोस्ट कोड है 83/20। तो दोस्तों, इसमें जो टोटल वैकेंसी थी हमारी वो थी 13, जिसमें जर्नल की 7, OBC की 3, SC की 2, ST की 1 और OH की 1, और इसमें टोटल कैंडिडेट्स थे जिन्होंने पेपर दिया 943। तो चलिए इसकी कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। जर्नल की कट ऑफ रही 170.45, OBC की 134.85, SC की 156.06, ST की 138.13, OH की 126.26। तो दोस्तों, जिन्होंने भी क्वालिफाई किया है उनको अपना ई डोजियर जल्दी से जल्दी फिल करना है, सारे डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड करने हैं। तो दोस्तों, ई डोजियर फिल करने का टाइम है 7/10 से 21/10 के बीच, आपको इन्हीं दिनों के बीच आपका ई डोजियर फिल करना है। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने अगले रिजल्ट की बात कर लेते हैं। अगला जो रिजल्ट है वो है PGT होम साइंस फीमेल, पोस्ट कोड 81/20। इसमें हमारी टोटल वैकेंसी थी 74, जिसमें EWS की 2, जर्नल की 21, OBC की 26, SC की 13, ST की 12, OH की 1 और VH की भी 1 ही पोस्ट थी। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसकी कट ऑफ के बारे में देख लेते हैं। इसमें जो कट ऑफ है वो है हमारी EWS की, जो कट ऑफ गई है वो है 123.74, जर्नल की 143.43, OBC की 105.05, SC की 104.29, ST की 111.87, OH की 94.19 और VH की में कोई नहीं। तो इसमें जिन्होंने भी क्वालिफाई किया है उनको अपना ई डोजियर फिल कर देना है और उनके लिए ई डोजियर फिल करने का टाइम है 13/10 से 27/10 के बीच का। तो दोस्तों, आपको जल्दी से जल्दी इस टाइम के बीच में ही आपका ईडोजियर फिल कर देना है। तो चलिए दोस्तों, अब हम अगले रिजल्ट की बात करते हैं। अगला जो रिजल्ट है वो है PGT म्यूजिक फीमेल, पोस्ट कोड है 86/20 और इसमें जो हमारी टोटल वैकेंट पोस्ट थी ये थी 2, जिसमें जर्नल की 1 थी और SC की भी 1 थी। और इसकी कट ऑफ की बात करें तो इसकी जर्नल की कट ऑफ रही 179 और SC की कट ऑफ रही 137,
और इसमें जिसने क्वालिफाई किया है उसके ई डोजियर फिल करने का टाइम है 12:10 से 26:10 के बीच। तो जल्दी से जल्दी दोस्तों आपको इस टाइम के बीच में अपना ई डोजियर फिल कर देना है। अगले रिजल्ट की बात कर लेते हैं। अगला जो रिजल्ट है वो है पीजीटी उर्दू मेल, पोस्ट कोड है 77/20। इसमें जो वैकेंट पोस्ट थी टोटल वो थी हमारी 2, जिसमें जर्नल की 1 और ओबीसी की भी 1। इसकी जो कट ऑफ रही वो है जर्नल की 206.83 और ओबीसी की 171.76। और इसका ई डोजियर फिल करने का जो टाइम है वो मिला है हमें 8:10 से 21:10 के बीच में आपको ई डोजियर फिल कर देना है। नेक्स्ट जो रिजल्ट है वो है पीजीटी इंजीनियरिंग ड्राइंग मेल, पोस्ट कोड है 82/20। इसमें जो वैकेंसी थी वो थी हमारी 1, जो केवल ओबीसी की थी, ओबीसी के लिए 1। और इसमें जो कट ऑफ मार्क्स रहे ओबीसी के वो रहे 152.25। और इसके जो ई डोजियर फिल करने का टाइम है वो दिया गया हमें 12:10 से 26:10 के बीच में। तो आपको 12:10 से 21:10 तक आपका ई डोजियर फिल कर देना है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे DSSSB के 6 रिजल्ट्स। तो दोस्तों जिन लोगों ने क्वालिफाई किया है वो जल्दी से जल्दी अपना टाइम के अकॉर्डिंग ई डोजियर फिल कर दीजिए। दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और ऐसे ही रिजल्ट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।